गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं पटना जू, जहां एक जल उद्यान बनाया गया है और उसके अंदर एक वाटर गार्डन जो है देखने का लायक है, बहुत शानदार बनाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह जल उद्यान बनाया गया है। हम लोग पहले एंट्रेंस से अंदर जा रहा हूँ। बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं, एक नेचुरल ब्यूटी जो पटना में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इस गार्डन में मुख्य आकर्षण ये है, एक नेचुरल फाउंटेन जो आर्टिफिशियल एक पहाड़ से ऊपर से वो आ रहा है, साथ में सामने एक छोटा पूल है जिसके अंदर वाटर लिली ग्रो हुआ है। इस तरह एक्वाटिक लिली आप अपने घर में छोटा पूल बना सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये एक्वाटिक लिली। एक्वाटिक लिली हमारा देश का नेचुरल प्लांट्स है जो आसानी से मेंटेन हो सकते हैं। छोटा पूल बना के उसके अंदर हल्का मिट्टी देके ये प्लांट आप घर में आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे नर्सरी है जहां आपको ये एक्वाटिक लिली मिल जाएगा। कहां इस तरह एक्वाटिक लिली मिलेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। इस वाटर गार्डन में और एक ख़ास बात है, वाटर लिली छोड़ के छोटा छोटा यूनिक प्लांट ये लोग मेंटेन किया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हैंगिंग गार्ड बास्केट में एस्पराजस है जिसका फूल एक शानदार लुक दिया है। ये छोड़ के और भी अलग अलग हैंगिंग बास्केट में लो मेंटेनेंस प्लांट ग्रो किए हैं। वाटर गार्डन के पीछे जो आर्टिफिशियल हिल्स बना है जो एक जेरोफाइटिक गार्डन का लुक दिया है, जहां आप देख सकते हैं सबसे इजी मेंटेनेंस प्लांट जैसे स्नेक प्लांट लगा हुआ है। ये बहुत हार्डी प्लांट है। आपके घर में छोटा बाग है तो उसमें आप इस तरह जेरोफाइटिक लो मेंटेनेंस गार्डन बना सकते हैं। ये छोड़ के एगेब का प्लांट है, आप देख सकते हैं, और साथ में कैक्टस भी लगाया हुआ है जो एक अलग सुंदरता इसमें ला दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।